नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपको पर्यायवाची शब्द। और दोस्तों, पर्यायवाची शब्द से संबंधित आज हम आपको बताने वाले एक आसान ट्रिक। आप पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे और पर्यायवाची शब्द आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसी ट्रिक आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, एक निवेदन आपसे करेंगे कि आप हमारे चैनल IAS स्टडी ट्रिक और दूसरा चैनल है सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन, इस प्रकार से दो चैनल यूट्यूब में है, IAS स्टडी ट्रिक और सेल्फ स्टडी क्लासेस विद, दोनों चैनल में बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे और भी जो है वीडियो आपको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द की जो है यहाँ पर ट्रिक से पढ़ने वाले हैं ये शब्द। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जंगल। जंगल का पर्यायवाची कैसे याद रखें, इस चीज को हमें आज यहाँ पर पढ़ना है। तो जंगल के जो पर्यायवाची हैं वो है विपिन, कानन, अरंड और वन। तो इसको कैसे याद रखें, अगर हम सामान्य रूप से पढ़ें कि जंगल के पर्यायवाची विपिन, कानन, अरंड और वन है, तो ये ज्यादा हमें याद नहीं हो पाते। लेकिन अगर हम इसमें कुछ मिश्रण कर दें तो ये हमें याद हो जाएंगे। जैसे कि अगर एक ट्रिक हमने बनाई है कि जंगल के विपिन का कान अरंड वन में गिरा, जंगल के विपिन का कान अरंड वन में गिरा, ये चीज आपको जल्दी याद हो जाएगी क्योंकि ये एक वाक्य बन गया है। और जंगल के विपिन का कान अरंड वन में गिरा, तो जंगल से हो जाएगा जंगल के पर्यायवाची हम पढ़ रहे हैं, और विपिन से हो जाएगा विपिन, कान से हो जाएगा कानन, और अरंड से हो जाएगा अरंड, वन से हो जाएगा वन। तो जंगल के विपिन का कान अरंड वन में गिरा, ये जंगल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 10 पर्यायवाची रखे हैं मात्र। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमें अगर पता लगा कि लोगों को जो है स्टूडेंटों को अच्छा लग रहा है, तो हम और भी 20-20 पर्यायवाची शब्दों का एक एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, अगर आपका सहयोग हमें मिला तो, है ना। तो जंगल के विपिन का कान अरंड वन में गिरा, इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया। नेक्स्ट देखें कि छवि, छवि का पर्यायवाची अगर हम देखें तो कांति, शोभा, सौंदर्य और प्रभा इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है कि कांति की शोभा प्रभा के सौंदर्य जैसी है। कांति कोई लड़की है और उसकी जो शोभा है वो प्रभा के सौंदर्य जैसी है। तो कांति से कांति, शोभा से शोभा, सौंदर्य और प्रभा इस प्रकार से हो जाएंगे। तो कांति की शोभा प्रभा के सौंदर्य जैसी है, तो ये छवि के जो पर्यायवाची हैं वो हो जाएंगे कांति की शोभा प्रभा के सौंदर्य जैसी, इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखें रुधिर, रुधिर खून, खून की अगर बात करें तो इसके पर्यायवाची होते हैं रुधिर, लहू, सौणित और रक्त। तो देखो, रक्त तो सभी जानते हैं, लेकिन सौणित, रुधिर और रक्त लहू में जो है मतलब ज्यादा परेशानी होती है, ये याद भी नहीं हो पाती। तो इसकी अगर ट्रिक की बात करें तो हम करें खून और रुधिर के जैसा लहू सौणित रक्त है, खून और रुधिर के जैसा लहू सौणित रक्त है, इस प्रकार से एक वाक्य बन जाएगा। तो ये चीज आपको जल्दी याद भी हो जाएगी क्योंकि ये सरल हो गया। तो खून और रुधिर के जैसा लहू सौणित रक्त है, तो खून से खून के हम पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, रुधिर, लहू, सौणित और रक्त ये पर्यायवाची हो जाएंगे खून के, इस प्रकार से देख लेंगे। नेक्स्ट है अंग, अंग बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, अंग और अंश पूछा जाता है कभी, तो अंग के जो पर्यायवाची है वो है अंश, भाग, अवयव और हिस्सा। तो यहां पर हम इसकी ट्रिक देखें कि अंग में अवयव का हिस्सा गिरा, अंश भाग, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, अंश भाग अंग में अवयव का हिस्सा गिरा, इस प्रकार से वाक आप सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंग, अंश भाग अंग में अवयव का हिस्सा गिरा, या अंग में अवयव का हिस्सा गिरा, अंश भाग, तो ये वाक्य बन जाएगा यहाँ पर। तो अंग के हो जाएंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, एक तो अवयव हो जाएगा, दूसरा हिस्सा हो जाएगा, तीसरा अंश हो जाएगा और चौथा ये भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से अंग के पर्यायवाची शब्द याद कर लेंगे। नेक्स्ट होगा किरण, किरण की बात करें तो रश्मि, अंशु, मयूख, दीप्ति, प्रभा, ज्योति और कर, ये किरण के जो है पर्यायवाची शब्द हैं। किरण को ज्योति तो सभी जानते हैं, रश्मि भी जानते होंगे और दीप्ति कम लोग जानते होंगे, अंशु, मयूख और ये कर, ये सबसे ज्यादा कठिन
हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि रश्मि और अंशु ने मयूख से कहा कि दीप्ति से प्रभा में ज्योति कर, दीप्ति से प्रभा में ज्योति कर। तो रश्मि से रश्मि, अंशु से अंशु हो जाएगा, मयूख से मयूख, और यहाँ पर का क्या हो जाएगा, साइलेंट कहा, दीप्ति से दीप्ति, प्रभा और ज्योति कर से कर हो जाएगा। तो हमारा वाक्य बन गया कि रश्मि और अंशु ने मयूख से कहा दीप्ति से प्रभा में ज्योति कर। तो करण के ये पर्यायवाची हो जाएंगे, रश्मि, अंशु, मयूख, दीप्ति, प्रभा, ज्योति और कर, ये करण के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें लहर, लहर के हैं बीची, तरंग और उर्मी। तो इसको कैसे याद कर लेंगे, लहर के बीच में तरंग उर्मी, लहर के बीच में तरंग उर्मी। तो लहर से लहर हो जाएगा, लहर के हम पढ़ रहे हैं, बीच से बीची हो जाएगी, तरंग से तरंग और उर्मी। तो लहर के बीच में तरंग उर्मी, लहर के पर्यायवाची शब्द याद कर लेंगे हम। नेक्स्ट है बसन, बसन का है अंबर, वस्त्र, परिधान, पट और चीर, ये पर्यायवाची इसके हैं। तो बसन की जो ट्रैक है वो है बसन अंबर में जाके, बसन अंबर में जाके वस्त्र परिधान पटाके चीर, वस्त्र परिधान पटाके चीर। क्या बोला है कोई आदमी कि बसन अंबर में जाके, अंबर में जाके बसेंगे, वस्त्र परिधान पटाके चीर, इस प्रकार से ये बोल रहा है। तो बसन से बसन के हम पढ़ रहे हैं अंबर, अंबर हो जाएगा वस्त्र, परिधान पटा से पट हो जाएगा और चीर। तो बसन अंबर में जाके वस्त्र परिधान पटाके चीर, बसन अंबर में जाके वस्त्र परिधान पटाके चीर, ये चीज आपको जल्दी याद हो जाएगी, बसन अंबर में जाके वस्त्र परिधान पटाके चीर, बसन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट है हृदय, हृदय क्या अगर याद करें तो इसका होता है छाती और बक्ष, हिये और हिया, इस प्रकार से ये पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें है कि हृदय से छाती में और बक्ष हिया, हृदय से छाती में और बक्ष हिया। तो हृदय से हृदय के पढ़ रहे हैं, छाती और बक्ष हिया और हिये और हिया, इस प्रकार से हो जाएंगे। तो हृदय से छाती में और बक्ष हिया, ये पर्यायवाची हो जाएंगे हृदय के। नेक्स्ट देखें चंद्रिका, चंद्रिका का हो जाएगा चांदनी, ज्योत्सना और कुमोदी। तो चंद्रिका का चांदनी तो सभी जानते होंगे, ज्योत्सना और कुमोदी में ये परेशानी होती। तो चंद्रिका की चांदनी ज्योत्सना ने कुमोदी को दी, चंद्रिका की चांदनी ज्योत्सना ने कुमोदी को दी, इस प्रकार से हमें याद कर लेंगे। चंद्रिका से चंद्रिका, ज्योत्सना, चांदनी, इस प्रकार से कुमोदी, ये पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। कैसे याद करेंगे, चंद्रिका की चांदनी ज्योत्सना ने कुमोदी को दी, चंद्रिका की चांदनी ज्योत्सना ने कुमोदी को दी। नेक्स्ट है झंडा, झंडा का हो जाएगा केतु, पताका, ध्वजा। ध्वजा सभी लोग जानते होंगे, पताका भी कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन केतु कोई कम लोग ही जानते होंगे, है ना। तो झंडा में केतु, पताका, ध्वजा हो जाएगा। इसकी ट्रिक हो जाएगी झंडा को केतु की पताका से ध्वजा। केतु ये ग्रह भी आपने सुना होगा, बोले ग्रह नक्षत्र लगा है, केतु लगा है ना। तो झंडा को केतु की पताका से ध्वजा, झंडा को केतु की पताका से ध्वजा। तो झंडा से झंडा के हम पढ़ रहे हैं, केतु पताका ध्वजा से ध्वजा हो जाएगा। तो झंडा को केतु की पताका से ध्वजा, तो इस प्रकार से हम झंडा के पर्यायवाची याद कर लेंगे। दोस्तों आपको ये ट्रिक हमारी कैसी लगी, दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ें। और आपको अगर ये नोट्स प्राप्त करना है तो आप हमारा ऊपर नंबर दिया है, आप नंबर देख सकते हैं, नंबर व्हाट्सअप नंबर है और व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और भी जो भी नोट्स हैं सारे प्रोवाइड आपको करवाते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों जय हिंद।